नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रिंस कोट की कटिंग। तो चलिए दोस्तों, इसका मेजरमेंट देख लीजिए। दोस्तों 29 इंच है लेंथ इसकी और 36.5 है चेस्ट, 32 इंच है वेस्ट और 37 इंच है हिप। 17 इंच का तीरा है, 25 इंच की बाजू और 15 इंच का गला है। तो चलिए दोस्तों, इसकी कटिंग करते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, ये अपने पास कपड़ा है, 3 मीटर का कपड़ा है दोस्तों, इसमें पैंट भी है इसके साथ में। दोस्तों कपड़े को उल्टा कर लेना है। दोस्तों कोट की कटिंग के 3 पार्ट बनाऊंगा मैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों अपने क्या करना होता है। दोस्तों इसमें कट है थोड़ा सा, इसलिए मैं इस कपड़े को सीधा कर रहा हूँ, एक निशान नीचे लगा के। इसके बाद में दोस्तों 2 इंच नीचे मार्जिन के लिए ये निशान कर देंगे। इसके बाद में इसकी लेंथ है जैसे कि 29 इंच, तो 29 इंच और 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इसके बाद में दोस्तों इस मार्के से सीने का चौथे हिस्से का मार्का लगाना होता है। जैसे अपने 36.5 है तो 9 इंच एक सूत हो गया। तो दोस्तों इस मार्के को लगाने के बाद में 1.5 इंच ऊपर एक और मार्का लगाएंगे। अब दोस्तों मेन रह गया अपना वेस्ट का मार्का। वेस्ट का मार्का अपने इस तरह लगाएंगे, जैसे अपने तीरा है 17 इंच, उससे पहले बाजू अपनी 25 इंच। दोस्तों यहाँ पे देखिए 25 इंच और तीरे का आधा करना है आपको, 25 इंच के बाद में तीरे का आधा 8.5 इंच। तो दोस्तों ये बन गया 33.5 इंच। तो 33.5 का आधा करेंगे तो बनता है 17.5 इंच। तो दोस्तों यहाँ से 17.5 इंच नीचे मार्का कर देंगे। दोस्तों ये वेस्ट का मार्का लग गया। दोस्तों मैं आपको इस तरह नहीं बताऊंगा कि ऊपर से 16 इंच लगा लो, 17 इंच लगा लो, इस तरह का कोई मेथड नहीं है, इसमें मेथड नहीं है। दोस्तों आपको क्या करना है, स्लीव की लेंथ लेनी है इंची टेप में इस तरह, जैसे कि 25 इंच लेंथ है। इसके बाद में तीरे का आधे का निशान लगाना है। जैसे तीरा मेरा 17 इंच है तो यहाँ पर आ गया 33.5, 33.5 का आधा करके ऊपर से निशान लगा देना है। 16.5 एक सूत या फिर 17.5 का आप मार्का कर सकते हो, एक दो सूत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अब इसको सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से लगभग 2.25 इंच का मार्का करना होता है आपको, इस तरह कन्नी को छोड़ के यहाँ पे भी 2.25 इंच, और आपको दोस्तों यहाँ पे लगभग 0.5 इंच या 0.25 इंच पे मार्का करना होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे 0.5 इंच का मार्का कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ से इसको एकदम सीधा लेके आएंगे नॉर्मल नाप में, और इसको इस तरह शेप करेंगे। दोस्तों ये शेप कर लेने के बाद में अपने दोस्तों इसका गला है 15 इंच, तो अपने गले के हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने गले के हिसाब से कटिंग करेंगे, तो जैसे कि 15 इंच है तो उसका 5वां हिस्सा का निशान लगाएंगे, 5 × 15 तो 3 इंच का गला आएगा। दोस्तों अपने यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए किस तरह चेस्ट से मार्का करेंगे।
दोस्तों मैं यहाँ पे सीने के हिसाब से कटिंग करूँगा, तो यहाँ पे अपने 36 इंच सीना है तो इसका 12वां हिस्सा 3 इंच बनता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पे 1/4 इंच और उठाऊँगा। अब इसको इस तरह राउंड कर लेना है। दोस्तों यहाँ से इसको देखिए इस तरह थोड़ा सा हल्का सा त्रिशा कर लेना है। त्रिशा करके राउंड करेंगे, यहाँ से ये ऊपर को उठेगा नहीं, इसलिए दोस्तों इस तरह करते हैं। दोस्तों अब इसका मेरा क्रॉस बैक का मेजरमेंट नहीं है, तो इसमें अपने पहले यहाँ पे बैक का निशान लगाएंगे, सीने का छठा हिस्सा 6 इंच एक सूत ऊपर बनता है। और दोस्तों यहाँ पे हिप में इससे 1/4 इंच एक्स्ट्रा 1/7 इंच यहाँ पे मार्का करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि तीरा है 17 इंच, 17 इंच तीरा 8.5 और 1/2 इंच मार्जिन के लिए। अब दोस्तों जितना यहाँ से लगाया है निशान 6 इंच एक सूत, तो दोस्तों 6 इंच एक सूत आप यहाँ पे भी मार्का कर सकते हो। अब दोस्तों आप देख सकते हो कंधी कितनी डाउन हुई है, 1.5 इंच यहाँ पे और 1/4 इंच यहाँ पे, लगभग दोस्तों 2.5 इंच से एक सूत कम में कंधी डाउन हुई है। तो अब दोस्तों इसका क्रॉस बैक किस तरह निकलेगा देख सकते हो आप। इसको इस तरह रखना है दोस्तों, इस मार्के से मिला के और ऊपर वाले मार्के से मिला के। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 इंच आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप 15 इंच पे मार्का कर दीजिए। अब दोस्तों इसकी शेप कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ लेना है आपको। अब यहाँ से इस तरह शेप कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको बैग में चाक है, दोस्तों आप चाक अपने हिसाब से रख सकते हो लंबाई के अनुसार। दोस्तों जिस तरह आपको इस कोट की लंबाई दिख रही है उसी हिसाब से आप चाक लगभग रख सकते हो, जैसे कि 7.5 से 8 इंच। तो दोस्तों मैं 8 इंच पे मार्का कर रहा हूँ ताकि 7.5 इंच चाक तैयार हो जाए। दोस्तों आप अपने हिसाब से, ये कोई ज़्यादा दोस्तों पंगे में नहीं पड़ना इसमें कि क्या करना है किस तरह रखना है। दोस्तों 1.5 इंच चौड़ा यहाँ पे कपड़ा छोड़ देंगे चाक के लिए। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार मार्के सारे बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले अपने एक मार्का लगाया कपड़े को सीधा करने के लिए, इसके बाद में दोस्तों 2 इंच का यहाँ पे इसमें मार्जिन रखा है जो कि नीचे फोल्ड करने के लिए। इसके बाद में दोस्तों पूरी लेंथ का मार्का लगाया है, यहाँ से यहाँ तक इसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके दोस्तों मार्जिन के लिए। इसके बाद में दोस्तों ये इससे भी 1/4 इंच ऊपर और उठाया है जो इसका राउंड करने के लिए, गले की शेप लेने के लिए। दोस्तों ऊपर ये यहाँ से सीने का चौथा हिस्सा लिया है, यहाँ तक सीने का चौथा हिस्सा लेने के बाद में यहाँ से ये दोस्तों 1.5 इंच ऊपर को लिया है। और जो वेस्ट का मार्का लगाया है, दोस्तों फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो वेस्ट का मार्का लगाया है वो अपने स्लीव, जैसे कि 25 इंच स्लीव थी और तीरा अपना 17 इंच है, तो यहाँ पे इससे इस तरह 17 इंच का आधा, जैसे 8.5, तो यहाँ पे 8.5 पे ये बन गया 33.5,
33 का आधा यहाँ से ये निशान लगाया मैंने 17.5 इंच पे ऊपर से। इस तरह दोस्तों ये वेस्ट का मार्का लगाया है मैंने। और दोस्तों यहाँ ये दूरी है जो ये दोस्तों सीने का मैंने लगाया है। अगर आप वेस्ट का लगाते छठा हिस्सा तो आपको 1.5 इंच और प्लस करना पड़ता। तो दोस्तों मैंने इस तरह नहीं लगाया, ये मैंने सीने का छठा हिस्सा लगाया है। दोस्तों जितना ही यहाँ पे ये बैठा है इतना ही यहाँ से ये ऊपर को गया है, एकदम प्रॉपर बिल्कुल सही बैठेगा। ये आपके जो गिराया है कंदी एकदम सही आएगी। दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही, इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ, दूसरे पार्ट में बहुत ही जल्द मिलेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी कोट के पूरी स्टिचिंग मिलेगी आगे पार्ट 2। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको इस वीडियो में आपको समझ में आया या नहीं आया, आप ये पूरे अच्छे से मेरे को बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आगे मिलते हैं नए पार्ट में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें, घंटी प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।